हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, वो देखेंगे कि आप जिनको प्यार करते हो वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। तो ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है और इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ही कि आपके पर्सन के इस वक्त आपको लेके क्या थॉट है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं दोनों की थॉट थोड़ा बहुत देखना ज़रूर पसंद करूंगी कि उनकी क्या थॉट है और आपके इस वक्त क्या सिचुएशन को लेके थॉट है। ठीक है, आप इस वक्त क्या सोच रहे हो? ये मैंने आपके लिए निकाला है, दो कार्ड आपके लिए और तीसरा आपके पर्सन का निकालते हैं, मतलब और तीन कार्ड उनका निकालते हैं। सो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके साथ अगर मैच होगी तो एक बार मुझे ज़रूर बताना। जो आपकी एनर्जी दिख रही है इस वक्त, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको लाइफ लेसन्स मिले हैं। हो सकता है मे बी कि आपने सच में इतना किया है, आपने मतलब बहुत मेहनत किया है इस रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन रिजल्ट आपको आज एक्सपेक्टेड नहीं मिला, जैसा आपने सोचा था नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है मेरे साथ, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं मेरे साथ। तो डेफिनेटली जो है, मुझे, मैं आपको राशि और नंबर्स आगे बताऊंगी, ठीक है? तो मुझे जो है लाइफ लेसन मिला है, शायद आपने खुद रियलाइजेशन किया है कि मुझे लाइफ लेसन्स मिल गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। कितना मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, ये कहीं ना कहीं आपको समझ आ गई है। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आपके जो घाव है आप उनको भरने की इस वक्त कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली ये एक बहुत गहरा घाव है। आपने जो प्यार किया है उसका कीमत तो वो पर्सन नहीं चुका सकते हैं। तो आपको जो धोखा मिला है उस चीज़ को लेके आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरी हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि हम ये हो सकते थे, दिस कुड बी द वन। आपको ऐसा, देखो, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रांगली फीलिंग्स है कि यही पर्सन मेरा सोलमेट है, यही पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, जो भी है यही पर्सन है, मुझे इसके अलावा कोई और नहीं चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई मुझे और उतना योग्य या फिर वर्थी नहीं लगता कि मेरे लाइफ में वो इंसान रहे। तो जो है मेरे लिए यही पर्सन है। तो आपका वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका वही चीज़ है कि बस मुझे इसी इंसान के साथ जो है लाइफ में कंटिन्यू रहना है, लाइफ में कंटिन्यू चीज़ों को करते रहना है। ठीक है, तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि आप उनको द वन सोच रहे हो डेफिनेटली, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखो कि जो इंसान आपको बार बार हर्ट करता है वो इंसान द वन नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो नहीं है, बट सोचो कहीं ना कहीं आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकती हूँ कि आप कौन से सिचुएशन से गुजर रहे हो, करेक्ट? तो आप सोचो, आप अभी भी एक उम्मीद में हो कि ये इंसान के साथ डेफिनेटली मेरा रिलेशनशिप बन सकता है, चीज़ें हील होने के बाद, चीज़ें अच्छी होने के बाद हमारी रिलेशनशिप डेफिनेटली बन सकती है। तो आप इस उम्मीद में हो इस वक्त तक, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपको बोलूँगी अगर आप इस उम्मीद में हो तो डेफिनेटली आप उस उम्मीद पे रहो, भगवान करे कि आपको जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में है, वो चीज़ें फ्रूटफुल हो, वो चीज़ें आपको जल्द ही मिले। आपके पर्सन की ये तीन कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, मुझे मोस्टली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस दिख रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, द न्यू बिगिनिंग इज एरीज सजिटेरियस लियो हो सकता है, समथिंग ऑफर इज कमिंग। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली टॉरस हो सकते हो आप, एंड देखो हो सकता है कि आप दोनों जो है मैरिड कपल हो, इस वक्त जो है आपकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, इस वक्त थोड़ा सा ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो मैरिड कपल अगर हो तो बच्चे के वेलकम की तैयारी चल रही है, ये सब हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ मुझे लग रही है, द न्यू स्टार्ट, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जो होगा अच्छा होगा। अभी जो भी आपका कंडीशन है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, शायद वो अपने बच्चे की वजह से आपसे दूर है, उनके लिए उनके बच्चे इंपॉर्टेंट है, जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए हैं कि आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। जो हुआ तो है वो हो गया है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, बट जो होने वाला है वो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ होने वाली है। मे बी
वेलकम, मैं करूँगी, अच्छे से चीज़ें हो, तो इस तरीके से मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत हाई है, आपसे नहीं किस्मत से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि चलो जो होगा अभी अच्छा होगा। हो सकता है कि उनको ये फील हो रही है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन शो हो रहा है, तो या फिर ट्विन फ्लेम की जैसे आप बिहेव कर सकते हो, उनको पता होगा कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट क्या है, इंसान है, इसी धरती पे रहते हैं, इतना तो ज़रूर पता होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है, तो इंसान है, धरती पे रहते हैं, पता तो होगा ना कि ट्विन फ्लेम की क्या चक्कर है, सोलमेट की क्या चक्कर है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये चीज़ पता है। तो वो सोच रहे हैं कि ये जो इंसान था, मतलब आप जो उनकी लाइफ में थे, क्या आप उनके एक सोलमेट थे, क्या आप उनके एक ट्विन फ्लेम थे, क्या थे, आपका क्या रिलेशन था उनके साथ, उनका क्या रिलेशन था आपके साथ। तो वो कहीं ना कहीं है, थोड़ा सा उनके दिमाग में थॉट है कि हमारा रिश्ता वैसे था क्या, ट्विन फ्लेम का था, सोलमेट का था, क्या था। नेक्स्ट है मुझे प्रपोजिंग दिख रहा है। अब प्रपोजिंग का मतलब हमेशा लव प्रपोजल नहीं होता है, समथिंग ऑफरिंग, ठीक है, कुछ ऑफर मुझे दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के मन में ही फीलिंग्स है, ठीक है, दोनों ही छुपा रहे हो। ये कार्ड आपको दिख सकता है कि आप दोनों ही चीज़ों को छुपा रहे हो, बट दोनों के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा वाला फीलिंग्स है, और आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि वो मुझ आपको लग रहा है वो मुझसे प्यार नहीं करता, उनको लग रहा है कि आपके अंदर और फीलिंग्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं रोज़ दोनों आप एक दूसरे को याद करते हो, दिन में कम से कम एक दो बार याद हो ही जाती है दोनों की, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों की फीलिंग्स एक जैसे दिख रही है कि दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो, दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि शायद बोलना नहीं चाहिए या फिर शायद अंदर ही रख देना चाहिए, इस तरीके का कुछ थॉट मुझे आप दोनों के अंदर जो है वो दिख रही है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है कि आप दोनों जो है अलग अलग तरीके का थॉट है, हो सकता है कि आप दोनों का थॉट मैच नहीं कर रहा है, अभी अभी आपको ये पता चला कि अरे हम दोनों का तो थॉट ही मैच नहीं कर रहा है, उनका कुछ और थॉट है, मेरा कुछ और थॉट है, उनकी फैमिली कुछ और सोच रही है, मेरी फैमिली कुछ और सोच रही है, हम जीवन कैसे काटेंगे, या फिर वो मुझे कुछ और सोच रहे हैं, तो दोनों की कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके थोड़ी बहुत मुझे थॉट अलग दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। ये आप पहले ही काफ़ी हद तक श्योर थे कि हाँ इसी पर्सन के साथ मुझे लाइफ बितानी है, इसी पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अभी आप एक डाउटफुल सिचुएशन में हो, क्या मैं इस इंसान के साथ खुश रहूँगी, इतना सब कुछ होने के बाद अगर ये मुझे मिल भी जाता है, क्या वो फ्यूचर में मेरे साथ ये ना करे, तो आप कहीं ना कहीं प्रे करते हो कि मुझे ये इंसान मिले, और मिलने के बाद जो है ये इंसान मुझे वैसे ही प्यार करे जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। देखो जो एक आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिला है आपको, एक होती है ना आपका एक था उम्मीद कि मैं जिसको प्यार करता हूँ, मतलब ये पर्सन, इनसे आपको उस लेवल का जो है इमोशनल सपोर्ट मिले, या फिर उस लेवल का आपको एक वार्म्थ मिले, जैसे होता है ना कि आप जिसको प्यार करते हो बस वो इंसान अगर आपके पास रहता है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये होने के बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस होती रही, तो आपको अभी वही लग रहा है कि ये इंसान के होते हुए भी मुझे कमी महसूस हो रहा है, ना होते हुए भी उसकी कमी महसूस हो रही है, तो रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है कि एक और कार्ड निकालती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लग रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो आप दोनों के बीच में ना बहुत प्यार नहीं था, या फिर मैं बोल सकती हूँ हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन था एक जन की तरफ से, या तो आप या तो उनकी तरफ से एक हाई लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल का अट्रैक्शन था, जो अट्रैक्शन प्यार फील हुआ मे भी, और ये सुन के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि वो प्यार था या फिर अट्रैक्शन था, क्योंकि अगर प्यार होता तो मुझे बीच राह पे ऐसे छोड़ के नहीं जाता, अट्रैक्शन तो नहीं था। कहीं ना कहीं एक डाउटफुल सिचुएशन आपके अंदर आ गई है, कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत ये डाउट में आप पड़ गए हो कि पता नहीं ये इंसान जो है इसके साथ मेरा क्या किस्मत कनेक्शन है, क्योंकि इस इंसान के साथ तो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली ये रिलेशनशिप में जैसा आपने सोचा था बहुत कुछ वैसा नहीं हुआ है, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हद तक जो है इस इंसान से मैच नहीं खाई, ठीक है। और दूसरे जो है ये
आपकी बातें जो है वो काफ़ी कम सुनने लगे हैं। अब तो आपकी बातें ही सुनते ही नहीं हैं। कुछ लोगों का तो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ होगा। पहले ये इंसान अच्छे होंगे, किसी की इन्फ्लुएंस में हो, या फिर जैसे बोलते हैं ना, हर 5 साल में इंसान चेंज होता है, उस तरीके के इन्फ्लुएंस में ये थोड़ी बहुत ज़रूर बदले हैं। और कार्ड्स देखते हैं आपके पर्सन की क्या यहाँ पे एनर्जी है। तब तक आप रीडिंग को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। मैंने कार्ड को स्प्रेड किया है, तो जो भी कार्ड यहाँ पे आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आया है टेम्परेंस का कार्ड, नेक्स्ट हमारे पास आया है द फूल एनर्जी। यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर 1 है एंड नंबर 10 है, नंबर 16, 5, 6। ठीक है, राशि यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि मुझे मोस्टली कैप्रिकॉन एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी, एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, नंबर 1, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज सजिटेरियस, लियो नंबर 4, नंबर 5 हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी, ये सब दिखाई दे रही है। तो और मैं अगर इस पर्सन की थोड़ी एनर्जी की तरफ चलूँ और उनकी फीलिंग्स के तरफ चलूँ, तो यहाँ पे लग रहा है कि इन ये ना बहुत क्लेवर पर्सन नहीं है। आपने इनको देखा होगा, आपने इनको बहुत पास से ऑब्जर्व किया होगा। ये बहुत चालाक इंसान नहीं है। ठीक है, कैमरा थोड़ा, हाँ, ये बहुत चालाक इंसान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ही ऐसे इंसान है कि कोई भी कुछ बोल लिया तो इजीली बिलीव कर जाते हैं। आपने काफ़ी बार उनको ये समझाया होगा कि कोई भी कुछ भी बोले बिलीव मत करो, तो आज उसी का ही परिणाम यहाँ पे भुगता जा रहा है, उसी का ही फल भुगता जा रहा है कि ये इंसान फूल बन चुके हैं। अपने रिलेशनशिप को किसी और की बात में आके या फिर किसी और सिचुएशन में आके कहीं ना कहीं इन्होंने इस हद तक ख़राब कर दिया है कि वो फूल बन चुके हैं। गाइज, अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक द वीडियो। उसके साथ साथ टेम्परेंस आया था, देखो मुझे लग रहा है कि इनको फील हो रहा है कि जितना ख़राब होना था मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा ख़राब मैं नहीं करूँगी अब मैं, या फिर करूँगा अब मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। इनके दिमाग में ये थॉट ऑलरेडी काफ़ी समय से आ रहा है कि हम दोनों के बीच में जो है काफ़ी कुछ कंडीशंस आ गई थी, बट रिलेशनशिप में कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पर्सन फील कर रहे हैं कि मैं कंडीशन ना रखूँ, और आपने जितना एडजस्ट किया है, आपके अंदर जितना वो एडजस्टमेंट एनर्जी थी, आपने जितना संभाला है, जितना इस रिश्ते को मौका दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि शायद ये पर्सन कभी वो चीज़ नहीं करते। ठीक है, तो फील हो रही है मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट, आपका एक सेक्रीफाइस वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक इंसान प्यार करके सेक्रीफाइस नहीं करता। आपका प्यार, आपका सेक्रीफाइस इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है कि डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का सेक्रीफाइस उसके सामने कुछ नहीं है। आपने कई बार कुछ फाइनेंशियल पैसों का उनको मदद किया होगा, अपने काम छोड़ के आप गए होंगे उनको मदद करने के लिए, कई बार आपने कहीं पर बैठ के इनकी वेट किया होगा, कई बार ये कितनी प्रॉब्लम में गिरने जा रहे होंगे आपने इनको बचाया होगा, तो आपका सेक्रीफाइसेस डेफिनेटली ज़्यादा था। आपने हर वक्त यही सोच के सकते, और एक चीज़ होती है ना कि हर वक्त यही सोच के आपने सेक्रीफाइस किया, और एक चीज़ होती है कि वो एक आग की तरह थे, गुस्सा करते थे, इरिटेशन होता था, और आप पानी की तरह हमेशा ही उनको सही कर देते थे। ठीक है, एक अपोजिट अट्रैक्ट जो बोलते हैं, या फिर अपोजिट एनर्जी अट्रैक्शन जो बोलते हैं थे, वही हो रहा है। ये शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, जल्दी उनको गुस्सा आ सकता है, ये तरीके का सिचुएशन मुझे दिख रहा है, मे भी उनके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो आपने इनको जितना हो सके संभाला है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो खुद को कभी संभाला ही नहीं, तुमने मुझे काफ़ी हद तक संभाल दिया है, संभाल दिया था एक्चुअली। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो है अभी ऐसे थॉट हो गई है कि मैंने इतना सब कुछ किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपका अभी यही स्पेशल थॉट है, मतलब इम्पॉर्टेंट थॉट आपका यही है, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं पता है कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, अभी मैं भी वैसा कुछ करूं। ठीक है, रिलेशनशिप का ख़त्म तो डेफिनेटली ये
आपका रिलेशनशिप इस मोड पे नहीं आया है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो आया था एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वन, नंबर 14 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया था और नंबर 41 का कॉम्बिनेशन है। 1 4 ये सब नंबर इंपॉर्टेंट है। प्यार के साथ है शादी। अगर आपका रिलेशनशिप में पहले ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप में पहले ही आपको शादी के कमिटमेंट उन्होंने दिया था, अभी तोड़ दिया है, या फिर पहले नहीं दिया था, अभी वो 1 2 महीने में देना चाहेंगे। मुझे अगस्त का एंड आते आते आपके रिलेशनशिप में कुछ शादी का कमिटमेंट मिलता हुआ या फिर शादी से जुड़ी हुई कुछ अच्छी चीज़ होती हुई डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उनको फील हो रही है कि शादी उनसे करना चाहिए या फिर उसी के ही साथ रहना चाहिए जिस के साथ फीलिंग्स हो। अगर मुझे फीलिंग्स नहीं है, मैं घर वालों के प्रेशर में आके करूं या फिर कोई और चीज़ के प्रेशर में आके करूं, तो वो चीज़ वर्दी नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स है वो आपके लिए ऐसा है कि मैं उसी के साथ रहूं जिसका मेरे लिए जो सेक्रीफाइसेस करती है। नंबर 4 ऑफ वांड, देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें एक्चुअली में बैलेंस है। ठीक है, 4 पिलर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन जो है आपके रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस होगा, अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। जातक अगर आप देखोगे, आपका जातक देखा जाएगा फिर उनका जातक देखा जाएगा, उसमें पता चल जाता है कि कौन सा फैक्टर, फैमिली होगी, फ्रेंड्स होगी, काम होगा, कौन सा फैक्टर आपके रिलेशनशिप में पिलर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ 1 to 4 पिलर्स आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर हेल्प होगा जो आपका रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो आपका रास्ता को रोकना चाहते हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो वो अपनी तरफ आपका रास्ता करना चाहते हैं, अपनी तरफ जो है रुख कर देना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि तुम्हारा हर रास्ता मेरी तरफ आना चाहिए, तुम मुझे भूल के आगे नहीं बढ़ सकते हो। हेरोफेंट एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन लोगों को दिखाते हैं कि ये एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग है या फिर ये एक्चुअली में बहुत ऐसे इंसान है कि जो किसी का कुछ ख़राब नहीं करते हैं। वैसे ये किसी का ख़राब नहीं करते हैं लेकिन जो आपके साथ किया वो एक हद तक गलत ही चीज़ है। ठीक है, तो ये लोगों को दिखाते हैं कि नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं कभी किसी के साथ बुरा मैं नहीं करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं है, स्पिरिचुअलिटी को भी मानते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, कुछ लोगों का मुझे स्पेशली क्रिश्चियन दिख रहे हैं। आपके पर्सन थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, पुराने ख्यालात के हैं। सब लोगों का रिलेशनशिप जैसा चलता है हमारा वैसा चलेगा। अनरोमांटिक से भी हैं थोड़े से। ठीक है, अभी थोड़ी रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है बट अनरोमांटिक ही मुझे मोस्टली ये पर्सन दिख रहे हैं। एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा। लाइक द वीडियो अगर आप देख रहे हो तो। यहाँ पे जो एक्शन है वो है 5 ऑफ वांड्स। देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों को लड़वा के कोई और पर्सन यहाँ पे खुश हो रहा है, या फिर मैं अगर देखूँ तो आगे जो है वो आपके पास जब आएंगे तो वो तो आपके पास आएंगे चीज़ें सुलह करने के लिए, लेकिन पीछे से कोई इतना प्रॉब्लम ज़रूर कर सकता है कि आप दोनों के बीच में अगेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। तो थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब होगा या फिर हो रहा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वांड्स। ये लड़ाई झगड़ा इश्यूज होने के बाद मुझे एक्शन दिख रहा है। देखो दोनों यहाँ पे रिजेंबल्स में यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे दो पर्सन जो है बहुत बुरी तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। नंबर 5 का कार्ड है। नंबर 6 कार्ड में ये चीज़ मुझे दिख रही है एक्शन का कि कंट्रोलिंग। ठीक है, तो जो भी इंसान या फिर जो भी चीज़ यहाँ पे आपका रिश्ता ख़राब कर रहा है, इस पर्सन के ऊपर बिलीव रखो ये उस चीज़ को डेफिनेटली कंट्रोल कर लेंगे, ये उस चीज़ को डेफिनेटली संभाल लेंगे। उनको एक पॉइंट पे फील होगा यहाँ पे कुछ तो कोई तो गलत कर रहा है। सो डेफिनेटली हम इस रिश्ते को, मैं अपने रिश्ते को अपनी तरीके से जो है वो आगे बढ़ाती हूँ। तो ये नंबर 5 to 6 days हो सकता है, 5 to 6 week हो सकता है, पर आपको इतना ज़रूर रहना है कि अगर उनके दिल में इमोशंस आए हैं, फीलिंग्स आए हैं, तो ये फीलिंग्स स्लोली स्लोली बढ़ेगा। कभी फीलिंग्स ख़त्म नहीं होती है, बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, ख़त्म नहीं होता है। किसी का भी रिलेशनशिप देख लो, ख़त्म नहीं होता है। और आपका अभी तक ख़त्म हुआ है? नहीं हुआ है। तो इंसान हमेशा दिल में रहता है, कभी फीलिंग्स ज़्यादा होती है, कम होती है, इग्नोर कर देते हैं फीलिंग्स को, लेकिन हमेशा फीलिंग्स रहती है।
रही है, जैसे आप इंसान हो वैसे वो इंसान है, उनके अंदर भी आपको लेके फीलिंग्स रहेगी। तो इतना ज़रूर यकीन रखो कि आज नहीं तो कल उनको वो रियलाइजेशन ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग तक, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस।